नमस्कार दोस्तों, आज जो है हमारे पास यहाँ पर यूनिवर्सिटी से सेकंड ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स आए हैं जो कि यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं कि ये बस बार किस तरह से काम करती है। तो ये थ्री फेस प्लाई है यहाँ पर और इसका सीख रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो आप कौन से सर? सेकंड ईयर। सेकंड ईयर सेमेस्टर फिफ्थ फोर्थ? ठीक है। तो अंदर भी दोस्तों यहाँ पर और भी ट्रेनिंग यहाँ आप देख सकते हैं। विदाउट स्टार्टर हम मोटर्स को नहीं चलाएंगे। क्यों नहीं चलाएंगे? क्योंकि मोटर्स कोई भी मोटर्स हैं वो स्टार्टिंग में क्या है कि इंटरेस्ट कर देते हैं हैवी करने का। ठीक है, हैवी कर लेने से क्या होती है, मोटर की जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो क्या होती है, डैमेज हो जाती है। ठीक है, हमने फॉर्मूला देखा होगा आई इक्वल टू बी अपॉन आर डी। माइनस ई डी रहता है जैसे सारा फॉर्मूला। होता क्या है, देखो आई ए इक्वल टू आर ए, अगर आपके पास तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये एक वर्कशॉप लगा रहे हैं यहाँ और देख रहे हैं कि क्या क्या यहाँ पर है। देख सकते हो इस तरह के सर्किट यहाँ इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में होते हैं वो सीख रहे हैं। और यहाँ पर इंजीनियर भूपेंद्र कपिल सर आप देख सकते हैं इनको सिखा रहे हैं। ये सब क्या है, अब आपने ये पढ़ा होगा, आपने पढ़े होंगे अब आपको यहाँ पे देखने हैं। मैं इसको आपको पूरा करवा दूँगा, चीज आपने इसकी फोटो जब आप कहेंगे उसके बाद रिलेट करेंगे तो आपने ज़रूर देखना है कि ये क्या चीज़ है। अब आपने बस रेजिस्टेंस को चकना, अगर ये खराब हो जाए ये कैसे चलो तो चलाते कैसे वो देखना है आपने। यहाँ हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसको मेंटेनेंस करना है, इसके ब्रशेस मतलब घिस जाता है ना, इसको थोड़ा सा क्या हुआ घिस गया हुआ है, आपको दिखा देते हैं ब्रशेस क्या करते हैं ब्रशेस। इसको कुछ और क्या कहते हैं अंकुश, तो आप देख सकते हैं कि तो हमारे यहाँ पर भूपेंद्र कपिल सर है इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और ये यूनिवर्सिटी से जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं इनको सिखा रहे हैं। सर सर नमस्कार। नमस्कार सर, हम आज बच्चे हमारे पास यूनिवर्सिटी से हैं, बीटेक सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के आए हुए हैं। इनको जो हम बता रहे हैं डीसी मोटर्स के बारे में। यस सर, डीसी मोटर की कंट्रोलिंग, डीसी मोटर के लिए जो स्टार्टर्स का यूज़ किया जाता है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, बस इसी सभी पैनल्स के बारे में हम इनको बता रहे हैं। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और सभी आपका भी सभी स्वागत है सभी बच्चों का यहाँ आईटीआई शिमला में, और आप सीखो, ऑल दी बेस्ट सभी को। सर एक वायरिंग करनी चाहिए। यस सर, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लैप वेव वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग होती है जो हमारी मोटर होती है एसी मोटर उसकी, तो ये सीख रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ बोर्ड में, और हमारे यहाँ के जो ट्रेनी है मिस्टर हर्षित इनको ट्रेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये वेल इक्विप्ड लैब है हमारे पास, थ्री पॉइंट स्टार्टर है, शंट मोटर के लिए किया जाता है, ईएमएम चलता है। देखो एक लाइन बोलती है, एक आर्मेचर के लिए होता है, एक फील्ड के लिए आता है हमारे पास। ईएमएम होता है, ये होता है कि ये होती है हमारी ओवरलोड कॉइल और ये हमारी नो वोल्ट कॉइल है। ओके, ये होता है कि जब जैसे हम स्टार्ट करते हैं ना, हम ऐसे करते हैं स्टार्ट, वहाँ जब करंट होगा ना तो यहाँ चिपक जाता है, जैसे चिपक जाता है फिर मोटर चलती रहती है। अगर करंट ज़्यादा हो जाए फिर ये वाली वोल्टेज फिर चिपकी जाती है वाली कॉइल को, यहाँ देख सकते हैं कॉइलें लगी होती है। इनमें होता है कि इसका रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होता है, इसका कम फिर सबसे कम होता है। जैसे कि यहाँ ना इस टाइम इसकी स्पीड बहुत कम होगी, फिर ज़्यादा 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 और फिर एकदम डायरेक्ट हो जाती है, पूरी स्पीड बढ़ जाती है इसकी, फुल स्पीड में पहुँच जाती है।
जब मोटर अपनी फुल स्पीड में आती है तो ये ऑटोमेटिकली कितने टाइप के स्टार्टर होते हैं? 3 point कौन कौन सा? 3 point एंड 4 point. ये वाला कौन सा है? ये 3 point. 3 point स्टार्टर लगता है डीसी शंट मोटर में, और 2 लगता है सीरीज मोटर में, और 4 लगता है हमारे कंपाउंड कंपाउंड मोटर में. सारे डीसी के लिए होते हैं, डीसी मोटर. तो ये था फ्रेंड्स यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि ट्रेनिंग हमारे ट्रेनर यहाँ पर आईटीएच. आपका नाम क्या है? म्यूश. इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है? सेकंड ईयर के. क्या नाम है? पीयूष. तो ये सिखा रहे थे आपको, देखते 3 point स्टार्टर. तो यहाँ पर और भी ट्रेनिंग आए फ्रेंड्स. आपका नाम क्या है? तनिष्क राणा. कहाँ से? मंडी से. आप सभी बस फटाफट बोलो. आप रोहन वर्मा. कहाँ से? किन्नौर. आप? नवीन शर्मा चंबा से. चंबा. आप? दीपक करसो. कहाँ से? करसोग से. करसो पूरा हिमाचल प्रदेश ही है यहाँ पर. आप? पालमपुर. वाह बैजनाथ. आप? तनिष ठाकुर मीरपुर से. मीरपुर. विशाल फ्रॉम हमीरपुर. हमीरपुर. मैं राकेश कुल्लू से. कुल्लू. वाह यार डिस्ट्रिक्ट सिरमौर. वाह सिरमौर पहुँच गए. आप बेटा? पालमपुर. हाँ जी डलहौजी. आप बच्चे? किन्नौर. अबे फ्रॉम शिमला. वाह. तो आई थिंक देखो ये डाइवर्सिटी इन यूनिटी हमारे हिमाचल प्रदेश के, पूरा हिमाचल प्रदेश यहाँ पर है ना, अलग अलग जिला से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं. ठीक है, कितना अच्छा लगता है. एक मंच है आपके पास, 2 साल है अब इतना टाइम स्पेंड करने के लिए. उसके बाद हम भी कभी इंजीनियरिंग करते थे. तो ये ट्रेनीज है सेकंड ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स. 2 साल के बाद ये इंजीनियर्स जो है वो मार्केट में आने वाले हैं. और ये देख सीख रहे हैं यहाँ पर प्रैक्टिकल मोटर्स के बारे में. तो आपने कोई बोलेगा क्या सीखा? एसी मोटर डीसी मोटर कुछ? कुल्लू के बंदे. कोई बात नहीं, आप आओ हमारे पास. अभी ब्लॉग लंबा हो रहा है, आपसे बातचीत करेंगे. आप सीख, जैसे कि यहाँ पर देखो वाइंडिंग्स हैं मोटर की ना, यहाँ प्रैक्टिकली ज़्यादा है चीज़ें. मैं भी बीटेक हूँ. हमारे पास जो लैब होती थी वो इंजीनियरिंग में थोड़ा लैब नहीं, यहाँ पर बहुत सारी प्रैक्टिकली चीज़ें खुली होती है. मैं भी एमटेक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ शिमला से ही यार. तो फ्रेंड्स ये है हमारे यंग इंजीनियर्स. और यहाँ पर ये देखिए जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं आज, तो देख सकते हैं आप. इनका इंट्रोडक्शन रह गया. बच्चे आपका नाम क्या है? देवांश चंद. कहाँ से? हाँ जी बिलासपुर. आप? आप विशेष. कहाँ से? मैं बिलासपुर. बिलासपुर. आप? आदर्श चंद बिलासपुर. बिलासपुर. आप? बिलासपुर. गुमार मी. और ये हमारे, आप तो हमारे स्टूडेंट हैं, नाम तो दादो. अंकुश शर्मा. ठियोग से. ठियोग. आप? हर्षित सिरमौर. तो फ्रेंड्स ये इनको सिखा रहे हैं. तो यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है. अभी ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है, 8 मिनट हो चुके हैं. आप सभी को ऑल दी बेस्ट. ठीक है, मिलते रहेंगे, आते रहो. और ये हमारा यहाँ पर फ्रेंड्स सोलर का भी है, काफ़ी कुछ सीखने को है यहाँ पर इस लैब में. देख सकते हैं, और ये देख सकते हैं आप सोलर पैनल, हाउ टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विद द, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, फोटो वोल्टिक डायोड्स होते हैं जो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाता है और बैटरी से उसको चार्ज होता है. ठीक है, तो ये यहाँ पर ये स्विचिंग पैनल भी है हमारे पास यहाँ. तो ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है दोस्तों. यहाँ पर हमारे बहुत प्यारे प्यारे ट्रेनीज जो है वो अपना काम कर रहे हैं. ये देख सकते हैं आप, बहुत ही लगन से पढ़ाई कर रहे हैं ये. देख सकते हैं आप. तो ये देखिए बहुत ही लगन से पढ़ाई कर रहे हैं. अभी इनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है. यहाँ पर बहुत हाई लेवल की पढ़ाई चलती है. देखिए ये पढ़ रहे हैं इंडक्शन मोटर. हाँ तो फ्रेंड्स ये और भी यहाँ पर तो फ्रेंड्स ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है. अंत तक बने रहने के लिए मैं आपका
धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जय हिमाचल, भारत माता की जय, वंदे मातरम।